नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जेड बी ए आशीष विश्वकर्मा में। दोस्तों आज हम आए हैं सारनाथ के एक मंदिर में घूमने, जो कि पार्क है। यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता, तो चलिए दोस्तों आप लोगों को सारनाथ के एक धर्म स्थल पे आपको सैर कराते हैं। हम थंबनेल में इस वीडियो के बारे में आपको बता देंगे। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। चलिए दोस्तों ये सफ़र शुरू करते हैं। टिकट उगड़ा दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भगवान बुद्ध की बहुत ही विशाल का प्रतिमा सारनाथ में स्थित है। यहाँ पे कमल के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, इसमें बहुत सारे कमल की कली भी खिली हुई हैं। एकदम आगरा के ताजमहल जैसा चीज है। भगवान बुद्ध वहाँ पर उपस्थित हैं। गार्डन आप लोग देख रहे हैं यहाँ की। सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कमल की कली खिली हुई है। यहाँ पे कैपिटल ऑफ लायन दिख रहा होगा आप लोगों को। कृपया फूल पत्ती को ना छुएं। इसके अंदर कैपिटल ऑफ लायन बना हुआ है। सॉरी दोस्तों, भगवान बुद्ध को आप लोगों को दिखाना ही भूल गए। अशोक चक्र के साथ भगवान बुद्ध जी यहाँ पर उपस्थित हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को बड़े वाले भगवान बुद्ध से मिलाते हैं। यहाँ पे बहुत ही तरह तरह की प्रतिमा हुई है, बनी हुई है। हरियाली बहुत है, पेड़ पौधों को सजावटी तरीके से कितना अच्छे से लगाया गया है। यहाँ पे देखिए कमल खिला हुआ भी है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ये कमल खिल के ख़त्म हो चुका है, उसकी डंठल बची। गौतम बुद्ध सरोवर, यहाँ पे भगवान बुद्ध जी हैं। जर्मन शेफर्ड डॉगी घूम रहा है। अब इस साइड से चला जाए दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं भगवान बुद्ध की साइज। कुछ पर्यटक भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, कितने छोटे लग रहे हैं उनके सामने। यहाँ पे बहुत सारे कमल खिले हुए हैं। यहाँ पे बहुत प्रभु जी की फोटो है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। कृपया फूल पत्ती ना छुएं। फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पास। इनका साइज आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाया गया है, इतना दूर से ही प्रभु जी को देखा जा सकता है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पास एक और छोटी प्रतिमा रखी हुई है, इसमें लिखा है नमस्तो भगवते अर्थात उसमें भगवान बुद्ध का मंत्र लिखा गया है। यहाँ पे अगरबत्ती सुनगाने का व्यवस्था है, दान पात्र। यहाँ बैठना मना है। तो दोस्तों आप लोग ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखी, चलते हैं और देखते हैं क्या है इस गार्डन में खास।
वापस जा रहे हैं बैक। देखने में तो बहुत अच्छा गार्डन लग रहा है, हर जगह हरियाली, एक ये घर की तरह बिल्डिंग बना हुआ है। वहाँ पे चलते हैं, दोस्तों भगवान बुद्ध की हिस्ट्री, उस मूर्ति के बारे में हाइट लिखाने गया है। हम उसका हाइट आप लोगों को थंबनेल में लिख दे रहे हैं, आप लोग जे समझ पढ़ लीजिएगा। ये भी दूर से देखने में बहुत छोटा लग रहा था, पास आने में पता चला बहुत बड़ा है। देखिए इसके अंदर जाने का व्यवस्था है तो अंदर चला जाए। ये गार्ड जी हैं, ये लाफिंग बुद्धा है शायद। अशोक स्तंभ, ये बाहर जाने का है। देखिए दोस्तों ये लाफिंग बुद्धा ही है। और ये मंदिर सामने से कुछ ऐसी दिखती है। इस समय धूप बहुत है दोस्तों, इसलिए हमें दिख तो नहीं रहा है कैमरा में, पर आप लोगों को दिखेगा। एक और ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है, ये सारनाथ में स्थित है दोस्तों। आप लोग यहाँ पर आके घूम सकते हैं, इसका कोई टिकट चार्ज नहीं है यहाँ पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा हम बिल्कुल निःशुल्क ही आया यहाँ पर। दोस्तों अब चला जाए इस प्राचीन मंदिर जो डिजाइन में बना हुआ है, इसके अंदर चल कर देखा जाए। ऊपर आप लोग देख रहे होंगे भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई हुई है। यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं घूमने के लिए। चलिए चलेंगे। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस मंदिर के अंदर। ये ऊपर से देखिए, यहाँ पे भगवान जी हैं, अंदर जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों अंदर जा सकते हैं, रास्ता खुला हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को हमने मंदिर के दर्शन कराए। अब चला जाए यहाँ से दोस्तों। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।